वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ एम्बेडेड सिस्टम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आईओ मैप, इंटरप्ट मैप एंड मेमोरी मैप का डिटेल स्टडी किया था एम्बेडेड सिस्टम का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेसर फैमिली का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द प्रोसेसर फैमिली। सो माइक्रो कंट्रोलर समटाइम्स नोन एज अ म्यूसी एमसीयू, ठीक है। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। इज अ स्मॉल कंप्यूटर ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कंटेनिंग द प्रोसेसर कोर, मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो माइक्रोकंट्रोलर एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि एक सिंगल आईसी फॉर्म में, डेट इज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जिसको म्यूसी, एमसीयू, ठीक है, पीसी, ठीक है, तो इस शॉर्ट फॉर्म से भी नोट किया जाता है, जिसमें प्रोसेसर कोर है, मेमोरी है, दैट इज़ रैम, रोम, प्रोग्रामेबल इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स है, ठीक है। मीन्स हम इनपुट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स को प्रोग्रामिंग के ज़रिए वहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कि कौन सा पोर्ट्स हम इनपुट के लिए यूज़ करेंगे एंड कौन सा पोर्ट आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे। सो द प्रोग्राम मेमोरी इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर फ्लैश एंड ओटीपी रोम, ठीक है। तो नॉर फ्लैश एंड ओटीपी रोम टाइप ऑफ प्रोग्राम मेमोरी इज़ यूज एंड आर ऑफन इंक्लूडेड ऑन द चिप, सो एज वेल एज टिपिकली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम, ठीक है। तो ये जो रोम एंड रैम, ये दोनों मेमोरीज दे आर द इनबिल्ट मेमोरी दैट इज ऑन द चिप ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर। नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोकंट्रोलर्स आर डिजाइन फॉर द एम्बेडेड एप्लीकेशन। इन कॉन्ट्रास्ट माइक्रोप्रोसेसर आर यूज इन पर्सनल कंप्यूटर एंड अदर जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन। तो माइक्रोकंट्रोलर को जो डिज़ाइन किया गया है वो एम्बेडेड सिस्टम के एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया गया है। एंड वी नो दैट इन एम्बेडेड सिस्टम ओनली वन स्पेसिफिक टास्क इज परफॉर्म बाय दिस एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। एंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर और फॉर जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन लाइक मल्टी टास्किंग, तो उसके लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो सम माइक्रोकंट्रोलर्स मे यूज़ द 4-bit वर्ड्स to operate the clock rate of frequency as low as 4 kilohertz and low power consumption that is in milli or microwatt, ठीक है। तो जो माइक्रोकंट्रोलर से वो 4-bit वर्ड्स को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। 4-bit वर्ड्स मीन्स वन वर्ड इज़ अ 16-bit, सो दैट इज़ अ वन वर्ड, सो लाइक दैट इट कैन प्रोसेस अप टू 4 वर्ड एंड इट कैन ऑपरेट द लोअर क्लॉक फ्रिक्वेंसीज दैट इज़ अप टू 4 kHz मीन्स 4×10⁻³ Hz। एंड पावर कंजम्पशन जो है इसका माइक्रोकंट्रोलर्स का वो भी मिली एंड माइक्रोवैट्स में, मीन्स इट कैन ऑपरेटेड ऑन बैटरी ऑल्सो। दे विल जनरली हैव द एबिलिटी टू रिटेन द फंक्शनलिटी वाइल वेटिंग फॉर द इवेंट सच एज बटन प्रेस एंड अदर इंटरप्ट, पावर कंजम्पशन लाइक वाइल स्लीपिंग, ठीक है। तो ये जनरली जो वर्क करते हैं, ठीक है, मीन्स फंक्शनलिटी परफॉर्म करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वाइल वेटिंग फॉर द इवेंट लाइक व्हेन द यूज़र विल प्रेस द बटन और सम इंटरप्ट सिग्नल्स आर जनरेटेड, ठीक है, लाइक दैट। सो अदर माइक्रोकंट्रोलर्स मे सर्व द परफॉर्मेंस क्रिटिकल रोल वेयर दे मे नीड टू एक्ट मोर लाइक अ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर एंड अ हायर क्लॉक स्पीड एंड अ पावर कंजम्पशन। सो माइक्रोकंट्रोलर यूजली कंटेन्स द सेवरल टू द डजन्स ऑफ जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट पिन्स, ठीक है। तो माइक्रोकंट्रोलर में जो इनपुट आउटपुट पिन्स होते हैं उसको जी पी आई ओ पिन्स कहा जाता है, दैट इज़ जनरल पर्पज़ इनपुट्स एंड आउटपुट, मीन्स जो पिन्स हमें इनपुट या आउटपुट के लिए वहाँ पर डिसाइड करना है, ठीक है, वी कैन मेक इट एज ए इनपुट एंड आउटपुट बाई यूजिंग द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग से हम यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स दिस जी पी आई ओ पिन्स, ठीक है। सो दिस पिन्स आर सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेबल आइदर इनपुट एज वेल एज आउटपुट, मीन्स इनको हम सॉफ्टवेयर से यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकते हैं। सो व्हेन जी पी आई ओ पिन्स आर कॉन्फिगर एज ए इनपुट स्टेट दे आर ऑफन यूज टू रीड द सेंसर और एक्सटर्नल सिग्नल, ठीक है। तो जो जी पी आई ओ पिन से हम इनपुट पिन्स को कॉन्फिगर करेंगे, दिस इनपुट पिन्स आर यूज फॉर द डेटा टू रीड फ्रॉम द सेंसर, क्योंकि सेंसर जो इनपुट डिवाइस है एम्बेडेड सिस्टम में, ठीक है, तो वहाँ से डेटा को रीड करने के लिए हम जी पी आई ओ पिन को एज ए इनपुट स्टेट में यहाँ पे कॉन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है।
and also for the external signals coming from the input output devices. So the configured to the output state, the GPU pins can drive the external devices such as LED and motors. ठीक है, तो अगर हम ये GPIO pins को output state में कॉन्फिगर करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट स्टेट में हम LED डिस्प्ले भी यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम, या जो स्टेपर मोटर्स है और मोटर्स है, ठीक है, जो रोबोटिक्स में यूज़ होता है, ठीक है, तो उनको भी हम ड्राइव कर सकते हैं बाय असाइनिंग दिस इनपुट और GPIO पिंस एज अ एक्सटर्नल और द आउटपुट पिंस. सो मेनी एम्बेडेड सिस्टम नीड टू रीड द सेंसर एंड दैट प्रोड्यूस द एनालॉग सिग्नल. ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो सेंसर से जो इनपुट आएगा वो जनरली एनालॉग सिग्नल होता है. ठीक है, एंड दैट एनालॉग सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल एंड देन दिस माइक्रोकंट्रोलर्स आर प्रोसेस दैट सिग्नल. सो सम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट द इनकमिंग डेटा इन अ सुटेबल फॉर्म दैट कैन रिकोगनाइज बाय द प्रोसेसर. क्योंकि माइक्रोकंट्रोलर एक डिजिटल डिवाइस है, ठीक है, तो सेंसर से जो भी डेटा आएगा वो एनालॉग डेटा होता है, लाइक टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर. ठीक है, तो इस एनालॉग डेटा को फर्स्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है एंड दैट डिजिटल डेटा इज गोज इनटू द माइक्रोकंट्रोलर एंड देन माइक्रोकंट्रोलर विल रिकॉग्नाइज दैट डेटा एंड प्रोसेस इट. देन यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर यूआरटी, जो हमने कम्युनिकेशन इंटरफेस में स्टडी किया था. ठीक है, तो दिस ब्लॉक मेक्स इट पॉसिबल टू रिसीव एंड ट्रांसमिट अ डेटा ओवर द सीरियल लाइन विथ वेरी लिटल लोड्स ऑन द सीपीयू. तो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूआरटी पोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि डेटा रिसीव एंड ट्रांसमिट करने का वर्क करेगा एंड दैट डेटा विल बी अ सीरियली ट्रांसमिटेड. देन डेडिकेटेड ऑन चिप हार्डवेयर ऑफन इंक्लूड्स द कैपेबिलिटीज टू कम्युनिकेट विद द अदर डिवाइसेस लाइक चिप. तो जैसे हमने कम्युनिकेशन इंटरफेस में स्टडी किया था कि एम्बेड सिस्टम में नंबर ऑफ आईसीज यहाँ पे कनेक्ट होते हैं हार्डवेयर में. ठीक है, और चिप्स, वी कैन से द आईसी एज अ चिप. सो दिस डिफरेंट आईसीज कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. सो फॉर दैट वी यूज़ द कम्युनिकेशन इंटरफेस लाइक एसपीआई और आई2सी. ठीक है, तो दोनों भी फॉर्मेट्स यहाँ पे सपोर्टेबल है. सो द माइक्रोकंट्रोलर्स इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉमनली हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स. तो यहाँ पे कुछ कॉमन फीचर्स दिए माइक्रोकंट्रोलर के, जो कि एक सिंगल चिप आईसी फॉर्म में है. ठीक है, सो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल टू द दैट इज फ्रॉम 4 बिट टू द कॉम्प्लेक्स वन दैट इज 32 बिट और 60 बिट प्रोसेसर. जो सीपीयू है, ठीक है, माइक्रोकंट्रोलर का, वो 4 बिट से लेके 32 बिट या 64 बिट तक डेटा को प्रोसेस कर सकता है एट अ टाइम. सेकंड, वोलाटाइल मेमोरी. ठीक है, दैट इज़ अ रैम फॉर डेटा स्टोरेज. तो डेटा स्टोर करने के लिए हम रैम का भी यूज़ कर सकते हैं. देन रोम, ई पी रोम, ई रोम और फ्लैश मेमोरीज आर यूज फॉर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग पैरामीटर स्टोरेज. ठीक है, तो रोम एंड ई रोम का हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम एज वेल एज डेटा स्टोर करने के लिए. ठीक है, सीरियल इनपुट आउटपुट सच एज सीरियल पोर्ट्स. तो जैसे हमने स्टडी किया कम्युनिकेशन इंटरफेस में, यू आर टी का यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है, देन अदर सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस लाइक पी सी, एस पी आई, आई टू सी. ठीक है, कैन नेटवर्क, मीन्स कंट्रोल एरिया नेटवर्क. ठीक है, ऑल दीज आर कम्युनिकेशन इंटरफेस आर सपोर्टेड बाय द माइक्रोकंट्रोलर्स. ठीक है, देन पीरेपीएल सच एज टाइमर्स, इवेंट काउंटर्स, पी डब्ल्यू एम जनरेटर एंड वॉचटॉक. ठीक है, तो ये भी माइक्रोकंट्रोलर में सपोर्टेबल है. क्लॉक जनरेटर, ऑफन एंड ऑसिलेटर और क्वार्ट्स टाइमिंग क्रिस्टल, रेजोनेट दैट इज आर सी सर्किट्स आर यूज. ठीक है, तो हमने पिन डायग्राम में ऑलरेडी स्टडी किया कि इन बिल्ट क्लॉक जनरेटर यहाँ पे, जिसमें क्रिस्टल क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं हम, या सिंपली एल सी और आर सी ऑसिलेटर्स आर ऑल्सो देयर. मेनी ए टू डी कन्वर्टर्स एंड डी टू ए कन्वर्टर्स आर देयर इन माइक्रोकंट्रोलर, दे आर सपोर्टेबल. ऑल्सो इन सर्किट प्रोग्रामिंग एंड डिबगिंग सपोर्ट है. ठीक है, तो ये कुछ मेन फीचर्स है माइक्रोकंट्रोलर्स के फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ द माइक्रोकंट्रोलर. देन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द एक्सटर्नल पीरेपीएल, मीन्स एक्सटर्नल डिवाइसेस. सो एम्बेडेड सिस्टम टॉक विद द आउटसाइड वर्ल्ड वाया द एक्सटर्नल पीरेपीएल्स.
So these are the hardware device that resides outside the processor chip and communicate with the by the interrupts or the memory map register. ठीक है, तो जो एम्बेडेड सिस्टम है दे कैन कनेक्ट विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस. ठीक है, सो दे आर द हार्डवेयर डिवाइस. ठीक है, तो जिस तरह से हम एलईडी स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं, एलईडी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम के साथ, वी कैन कनेक्ट द डिफरेंट मोटर्स लाइक स्टेपर मोटर विद द एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रोकंट्रोलर. ठीक है, तो ये सारे जो है वो एक्सटर्नल पीरेपल्स हो गए एम्बेडेड सिस्टम के लिए. ठीक है, एंड दिस आउटसाइड प्रोसेसर चिप्स कैन कम्युनिकेट विद द माइक्रोकंट्रोलर. ठीक है, मीन्स एक से ज़्यादा माइक्रोकंट्रोलर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बाय इंटरफेसिंग देम, सो दे कैन कम्युनिकेट बाय यूजिंग द इंटरप्ट्स एंड मेमोरी मैप रजिस्टर. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स दिए गए कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए. तो सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस दैट इज़ SCI का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें RS-232 एंड RS-485 का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए. देन SPI इंटरफेस जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ है. ठीक है, देन यूनिवर्सल सीरियल बस USB थ्रू हम कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं. ठीक है, देन मल्टीमीडिया कार्ड्स लाइक SD कार्ड, कॉम्पैक्ट फ्लैश मेमोरी, नेटवर्क्स इथरनेट एंड लैन नेटवर्क्स का यूज़ कर सकते हैं हम. ठीक है, देन कैन बस, लीन बस. ठीक है, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कम्युनिकेशन इंटरफेस. देन LCD एंड कीबोर्ड कंट्रोलर्स. ठीक है, तो इनको भी हम यहाँ पे इंटरफेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे LCD डिस्प्ले के लिए हमें LCD कंट्रोलर लगेगा एंड कीबोर्ड मीन्स एज अ इनपुट टू द दिस एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पे कीबोर्ड कंट्रोलर को हमें इंटरफेस करना पड़ेगा एम्बेडेड सिस्टम के साथ. देन जैसे हमने देखा फीचर्स में कि बहुत से A2D एंड D2A कन्वर्टर को सपोर्ट करता है माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर फैमिली. ठीक है, लाइक ADC एंड TAC. ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो भी इंटरफेस. देन GPIO पिन्स दे आर सॉफ्टवेयर कॉन्फिगरेबल एज अ इनपुट एज वेल एज आउटपुट, सो दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर द कम्युनिकेशन और कनेक्शन ऑफ दिस एक्सटर्नल डिवाइसेस विद द माइक्रोकंट्रोलर. सो दीज आर द डिफरेंट वेज टू कनेक्ट और कम्युनिकेट दिस एक्सटर्नल पीरेपियल्स विद द एम्बेड सिस्टम. तो यहाँ पे दो मेथड से माइक्रो प्रोसेसर को एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए, फर्स्ट जो है वो मेमोरी मैप है एंड सेकंड जो है पोर्ट मैप IO. ठीक है, तो ये दोनों मेथड से हम माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ, दैट इज एक्सटर्नल पीरेपियल्स. ठीक है, सो बोथ द मेथड्स आर रियली आइडेंटिकल. सो मेमोरी मैप IO इज़ द मैप इन टू द सेम एड्रेस स्पेस एज अ प्रोग्राम मेमोरी एंड और द यूज़र मेमोरी एंड इट इज़ एक्सेस इन द सेम वे. ठीक है, तो मेमोरी मैप IO जो है दैट इज़ मेमोरी मैप इनपुट आउटपुट. ठीक है, तो ये सेम एड्रेस स्पेस है जो कि प्रोग्राम मेमोरी में यूज़ होता है. ठीक है, एंड इट इज़ एक्सेस इन द सेम वे. एंड सेकंड जो मेथड है वो पोर्ट मैप IO. ठीक है, दैट यूजेज द सेपरेट एंड डेडिकेटेड एड्रेस स्पेस दैट इज़ एक्सेस वाया द डेडिकेटेड सेट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन. तो पोर्ट मैप IO में जो है वो सेपरेट एड्रेस एंड डेटा बस यूज होगा. ठीक है, टू एक्सेस द दिस इनपुट आउटपुट डिवाइस डेटा विच कैन बी यूज इन द माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन. सो द डिफरेंस बिटवीन द टू स्कीम ऑकर्स विद इन द माइक्रो प्रोसेसर. सो इंटेल हैज द फोरमोस्ट पार्ट दैट इज यूज द पोर्ट्स ऑफ मैप स्कीम फॉर द माइक्रो प्रोसेसर एंड द मोटरोला हैज यूज द मेमोरी मैप्स स्कीम. नेक्स्ट पॉइंट इज 16-bit प्रोसेसर हैव बिकम एंड रिप्लेस विद द 32-bit एंड 64 जनरल पर्पस यूज. ठीक है, तो 16-bit प्रोसेसर को यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज करने के लिए 32-bit एंड 64-bit से रिप्लेस किया गया है. ठीक है, एज द प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस स्पेस फॉर द प्रोसेसर इज यूजुअली मच लार्जर दैन द रिक्वायर्ड स्पेस फॉर ऑल द मेमोरी एंड IO डिवाइसेस इन द सिस्टम. सो नेक्स्ट पॉइंट इज द कंपेरिजन बिटवीन IO मैप IO एंड मेमोरी मैप IO. सो द फर्स्ट पॉइंट इज IO मैप IO यूजेज द सेपरेट मेमोरी स्पेस. ठीक है, तो IO मैप IO में जो सेपरेट मेमोरी स्पेस यूज होता है दैट इज फॉर प्रोग्राम एज वेल एज फॉर डेटा. इन केस ऑफ मेमोरी मैप IO यूजेज द मेमोरी फ्रॉम द
मेन मेमोरी, ठीक है। तो जो मेन मेमोरी है उसी का यूज़ होगा मेमोरी मैप आयो में डेटा एक्सेस करने के लिए। सेकंड पॉइंट, लिमिटेड इंस्ट्रक्शन कैन बी यूज लाइक इन आउट INS एंड आउट्स, ठीक है। तो आयो मैप आयो में जो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस यूज़ होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मेमोरी मैप आयो, एनी इंस्ट्रक्शन विच रेफरेंसेस टू द मेमोरी कैन बी यूज, ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द मेमोरी इन केस ऑफ मेमोरी मैप आयो। थर्ड पॉइंट, द एड्रेस फॉर आइसोलेटेड आयो डिवाइसेज आर कॉल्ड एज अ पोर्ट्स। तो जो भी एड्रेस होगा आइसोलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के लिए उसको यहाँ पे पोर्ट से डिनोट किया जाएगा। इन केस ऑफ मेमोरी मैप आयो डिवाइसेज आर ट्रीटेड एज अ मेमोरी लोकेशन ऑन द मेमोरी मैप। देन IORC एंड IOWC आर द सिग्नल एक्सपांड द सर्किटरी इन केस ऑफ आयो मैप आयो। IORC एंड IOWC आर द सिग्नल्स हैज़ नो फंक्शन इन केस ऑफ विच रिड्यूसेज द सर्किटरी। नेक्स्ट पॉइंट, इफिशियंट फॉर आयो ऑपरेशन ड्यू टू यूज़ ऑफ सेपरेट बस, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि आयो मैप आयो में प्रोग्राम एंड डेटा के लिए सेपरेट बस यूज़ होता है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए इफिशियंसी इसका बेटर है आयो मैप आयो का। एंड मेमोरी मैप आयो, इट इज़ इनसफिशियंट बिकॉज आयो ऑपरेशन ड्यू टू यूजिंग अ सिंगल बस फॉर डेटा एज वेल एज एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस एंड डेटा बस सिंगल यूज़ किया गया फॉर एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट आउटपुट डिवाइस, सो इट इज़ इनसफिशियंट एज कम्पेयर टू द मेमोरी मैप आयो। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेरेटिवली लार्जर इन साइज, ठीक है। तो आयो मैप आयो जो होगा वो लार्जर इन साइज होगा, ठीक है। मेमोरी मैप आयो इज़ द स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनल लॉजिक। तो आयो मैप आयो को डिज़ाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्स लॉजिक का यूज़ होगा। एंड इन केस ऑफ दिस मेमोरी मैप आयो, द इंटरनल लॉजिक फॉर मेमोरी इन आयो डिवाइसेस इज कॉमन। लास्ट पॉइंट इज स्लोअर इन ऑपरेशन, दैट इज आयो मैप आयो, एंड मेमोरी मैप आयो इज़ द फास्टर इन ऑपरेशन। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन बिटवीन आयो मैप आयो एंड मेमोरी मैप आयो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज द मेमोरी यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम। सो ऑन एम्बेडेड सिस्टम मेमोरी इज द प्रीमियम, मीन्स सम चिप पर्टिकुलरली यूजेज द एम्बेडेड VLSI चिप्स, दैट इज द लो एंड माइक्रोप्रोसेसर हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रैम ऑन बोर्ड एंड देयरफॉर देयर मेमोरी इज नॉट एक्सपांडेबल, ठीक है। तो एम्बेड सिस्टम में मेमोरी जो एक प्रीमियम कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो कुछ एम्बेड सिस्टम में VLSI चिप का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसमें ऑन बोर्ड रैम प्रोवाइडेड किया रहता है, ठीक है, बट उसका जो साइज है दे आर अल्टरनेटली लो, सो देयरफॉर दिस मेमोरीज आर नॉट एक्सपांडेबल, ठीक है। तो ये रैम को हम यहाँ पे एक्सपांड नहीं कर सकते, मीन्स इसका साइज हम इंक्रीज नहीं कर सकते, दे आर कॉन्स्टेंट। बट अदर एम्बेडेड सिस्टम हैव अ सर्टन अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड दे हैव नो मीन्स टू एक्सपांड, ठीक है। बट जो अदर एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें प्रोविजन है कि हम मेमोरी को ऐड कर सकते हैं एक्सटर्नली, मीन्स वी कैन एक्सपांड द साइज ऑफ दिस रैम। सो इन एडिशन टू रैम, सम एम्बेडेड सिस्टम हैव सम नॉन वोलाटाइल मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क फ्लैश मेमोरी फॉर एक्सपांशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है, ठीक है, रोम को भी हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूज़ ऑफ दिस फ्लैश मेमोरी एक्सपांशन। सो कीप इन माइंड हाउएवर द मेमोरी अपग्रेड ऑन द एम्बेडेड सिस्टम मे कॉस्ट मोर देन द एंटायर सिस्टम इट्सेल्फ, ठीक है। तो इसमें जो कॉस्टिंग लगेगा मेमोरी अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, तो वो हायर रेंज में होगा इन केस ऑफ दिस एम्बेडेड सिस्टम। सो एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामर देयरफॉर नीड्स टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट द मेमोरी अवेलेबल एंड द मेमोरी नीडेड टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। तो जो एम्बेडेड सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के पहले हमें जो भी रिक्वायरमेंट्स है मेमोरी के, ठीक है, तो वो पता होने चाहिए। अल्सो जो टास्क या जो फंक्शन हम परफॉर्म करेंगे एम्बेडेड सिस्टम से, ठीक है, तो वो हमें पता होना चाहिए बिफोर प्रोग्रामिंग। सो मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस आर अवेलेबल। सो इन मॉडर्न और मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट अवेयर द डिफरेंसेस बिटवीन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज देम इफिशियंटली। सो कीप इन माइंड द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिवाइसेस टूक द सेवरल डिकेड्स एंड हैज देयर अंडरलिंग हार्डवेयर डिफर्स सिग्निफिकेंटली।
So that is the introduction for the memory that is required into the embedded system. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मेमोरी का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.